अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप मेरे पीछे जो ये बैग देख रहे हैं, ये LKG के एक स्टूडेंट का बैग है। ये इतना भारी है कि इसको उठाने उठाने तक जो है बच्चे की कमर जो है वो टूट जाती है। इतना बोझ हमने जो है बच्चों के कंधों पर डाल दिया है तालीम के नाम पर कि वो जो है इन बोझ तले दबे चले जा रहे हैं। कभी हमने सोचा नहीं, कभी हमने गौर व फिक्र नहीं किया कि इन बैग के वजन का असर बच्चों पर क्या होगा। अक्सर देखने में आता है कि बैग की वजह से बच्चे जो है वो दबे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नशोनुमा के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर और जो है उनके तालीमी मुजाहरे पर जो है असर पड़ता है। इसके ऊपर कभी हम गौर फिक्र ही नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बस बचपन में ही IAS बने जाए, कलेक्टर बन जाए या जो है डॉक्टर बन जाए। इसलिए हम उनको जो है किताबों के बहुत ज्यादा बोझ या कापियों के बोझ को जो है बढ़ाते 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 चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जिस्मानी जहनी जो है उस पर असर पड़ रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत ही अच्छा एक डिसीजन लिया है। वैसे इससे पहले भी जो है बैग के वजन के ताल्लुक से गाइडलाइंस जो है जारी कर दी गई थी कि पहली की जो बैग रहेगा उसका वजन कितना रहेगा, दूसरी का कितना रहेगा, तीसरी का कितना रहेगा। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किताबों को जो है चार हिस्सों में तकसीम कर दिया है। हाँ, पहले जो साल भर की किताब बच्चा अपने साथ लिख जाता था उसके चार हिस्से जो है कर दिए हैं। यानी 3 महीने का जो कोर्स रहेगा वो बच्चा 3 महीने के जो है सिलेबस को लेके जाएगा, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है क्यों ना हो, उन अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़कर एक ही बुक की शक्ल जो है दी गई है। एक फायदा ये। दूसरा जो है किताबों के साथ साथ बच्चों के पीठ पर कापियों का बोझ जो है बढ़ता जाता है। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक बहुत ही अच्छा जो है डिसीजन लिया है, हम खैर मकदम करते हैं कि अब जो है किताबों के साथ साथ कापियों के औराख पेजेस जो है वो किताब को जोड़ दिए जाएंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको जो ये किताबें फ्री में दी जाती है, उन किताबों के साथ साथ अब जो है पेजेस जो है कापी के पेजेस उन्हीं किताबों के साथ जो है मिलने वाले हैं, जिससे यह होगा कि बच्चे के जो है बोझ में कमी आएंगी और बच्चा ज्यादा जो है तंदुरुस्ती के साथ और चाको चौबंद जो है एक्टिव होकर जो है सीखेगा। जब वो स्कूल से घर आएगा तो थका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि जो है वो एक्टिव रहेगा और इस तरीके से जो है बोझ को कम कर दिया गया है। तो ये जो है बैग के बोझ को जो है बहुत ख्याल रखना हमको पड़ता है, वरना अक्सर जो है मैंने ऐसे भी जो है बच्चे देखे हैं जिनको बैग को अगर उठाया जाए तो हमें जो है खुद तकलीफ हो जाए, इतना वजन जो है उनके बैग में होता है या एक्स्ट्रा चीजें भी उसके दशा में हो जाती है। इसलिए मैं तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करता हूं कि वो जो है अपने बच्चों के बैग्स को चेक करिए, एक्स्ट्रा में जो है किताबें या नोटबुक्स अगर उसके अंदर हो तो उसको कम कर दें और बैग के वजन को कम से कम करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीखे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।